संख्याओं से खेल से संबंधित है प्रश्नावली आपकी फोर्थ बी, ठीक है उसी को लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य है। तो ध्यान रखिएगा दो से विभाज्य के लिए जो नियम होता है, विभाज्यता का नियम जो नियम होता है, दो से वे संख्याएं विभाज्य होती है जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं यदि लगी हैं तो वो संख्या जो है दो से विभाज्य हो जाती है। तो पहले सवाल में जो है आपके जो संख्याएं दी हुई हैं, पहले सवाल में जो संख्या दी हुई है 2, 3, 5, 0, 4 तो आपने देखा हुआ संख्या के लास्ट में क्या लगा हुआ, अंत में क्या लगा हुआ है, चार लगा हुआ है। तो ये संख्या जो होगी दो से विभाज्य होगी, ठीक है लिख दोगे दो से विभाज्य है। ठीक है दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या दी हुई है 5, 4, 3, 2, 6, 3 तो इस संख्या के अंत में आप देखें कि यहां पर लास्ट में क्या लगा हुआ है, 3 है ना, विषम संख्या लगी हुई है ये, तो ये दो से विभाज्य नहीं है। ध्यान रखिएगा जिन संख्याओं के अंत में केवल या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 यदि ये संख्याएं लगी हैं तो वो संख्या दो से विभाज्य होगी, और जिन संख्याओं के अंत में ये संख्याएं नहीं लगी हैं तो वो दो से विभाज्य नहीं होगी। ये दो से विभाज्यता का नियम है, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। ठीक है तो आपको बस यही देखना है यदि ये संख्याएं लगी हैं दो से तो वो विभाज्य है, और अगर दो से ये संख्याएं नहीं है संख्या के अंत में तो ये वो संख्या दो से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो हमें 3 से विभाज्यता का नियम मालूम होना चाहिए। तो देखिए 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये है कि जो भी संख्या दी है उस संख्या के अंकों का योग करेंगे, जो योगफल आएगा योगफल जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, है ना। 3 से विभाज्यता का नियम फिर से एक बार सुन लीजिए आप, फिर आपको सवाल बता रहे हैं कि कोई भी संख्या यदि दी हुई है ना, जो भी संख्या दी हुई है यदि उस संख्या के अंकों का जो योगफल करेंगे यदि वो योगफल जो है 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी ना। जैसे पहली संख्या दी हुई है इस सवाल में 4, 7, 4 तो हम इसके अंकों का योगफल कर लेते हैं, 4 + 7 + 4 इसके अंकों का योगफल किया कितना आ गया, 4, 7, 11, 11 और 4, 15 योगफल कितना आया, 15। तो जो योगफल आया है ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, यस 3 से विभाज्य है, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5, 15 तो 3 से विभाज्य है ये, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। आपको यही चीज इसमें देखना आएगा, है ना, बिना भाग दिए ही आपको विभाज्यता के नियम से जांचना है कि संख्या जो है 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 से विभाज्य है या नहीं है, 5 से, है ना, जो भी संख्या दी इस तरह से हम लोग देख लेते हैं बिना भाग दिए हुए। जैसे एक संख्या और देखते हैं, उसी सवाल इसी का दिया हुआ है 2, 5, 5, 2 इसमें भी वही नियम लागू होगा क्योंकि देखना है हमें 3 से विभाज्य है कि नहीं है ये बताना है। तो क्या इसके अंकों का योग करेंगे, 2 + 5 + 5 + 2 तो जोड़ लेते हैं, 2 और 5 = 7, 7 और 5 = 12, 12 और 2 = 14 योगफल कितना आया, 14। तो जो ये 14 योगफल आया है क्या ये 3 से विभाज्य है, 3 के पारे से कटता है 14, 3 के पारे में 14 आता है नहीं, कटता है 3 के पारे से। ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है, है ना, ये संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है। आपको इसी प्रकार से जांचना है सारी संख्याओं को। तीसरा सवाल देखे ध्यान से, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है। ठीक है कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो ध्यान रखिए 5 से विभाज्यकर्ता का नियम जो क्या है, यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 लगा हो या फिर 5 लगा हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। फिर से ये 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 लगा हो या फिर 5, है ना, यदि ये अंक लगे हैं या तो 0 या फिर 5 तो वो संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। अब तीसरे का पहला सवाल देख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 1000, इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है तो ये 5 से विभाज्य है, है ना। दूसरी संख्या क्या है आपकी 343, इस संख्या के अंत में 3 लगा हुआ है, हमें क्या कहा है, यदि अंत में या तो 0 लगा होना चाहिए या फिर 5 लगा होना चाहिए तभी वो संख्या 5 से कटेगी, तो ये संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ये ध्यान रखना आएगा। अगली संख्या जैसे दी हुई है इसी में, तीसरा इसी का
टू फाइव फाइव सिक्स फाइव, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, पांच लगा हुआ है, तो ये संख्या जो है पांच से विभाज्य है, है ना। क्या बताया हुआ था कि या तो जीरो आना चाहिए अंत में या फिर पांच आना चाहिए, तो जिन संख्या के अंत में या तो जीरो आया तो वो पांच से विभाज्य है या फिर पांच आना चाहिए वो विभाज्य होगी। इसके अलावा यदि और कोई अंक आता है तो वो पांच से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। चौथे सवाल में क्या कहा जा रहा है, चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं नौ से विभाज्य है। ठीक है, तो नौ से विभाज्यता का नियम भी ठीक उसी प्रकार से होता है जो तीन से विभाज्यता का नियम होता है। इसमें भी अंकों का जो योगफल होगा, यदि जो अंकों का योग करेंगे, यदि अंकों का योगफल जो आएगा, यदि वो नौ के पहाड़ी से कट रहा है, नौ के पहाड़ी से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी नौ से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे तीन में के विभाज्यता के नियम में था वैसे ही नौ के विभाज्यता का नियम भी होगा। ठीक, उसी प्रकार से यदि योगफल जो है नौ से विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, नौ से विभाज्य होगी। देखिए पहला सवाल इसी का, जैसे संख्या दी हुई है 2034, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं, 2 + 0 + 3 + 4, तो 4 × 3 = 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 7 × 2 = 9, तो इसका योगफल कितना है 9, 9 के पहाड़े से 9 कट जाएगा, है ना, ये तो 9 से विभाज्य है कि नहीं है इसका योगफल, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, बिना भाग दिए ही आपको विभाज्यता के नियम से बताना है कि संख्या है ना इनसे विभाज्य हो रही है या नहीं है। तो ये पहला सवाल था, इसका एक सवाल और देख लेते हैं, 3, 5, 8, 4, 7, ठीक है, इनके अंकों का योग करते हैं, 3 + 5 + 8 + 4 + 7, तो 7 × 4 = 11, 11 + 8 = 19, 19 + 5 = 24, 24 + 3 = 27, इसका योगफल कितना आया 27 आया, तो 9 के पहाड़े से 27 कटता है ना विभाज्य है, तो 9 किया 27 कट जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य है, क्योंकि जो योगफल आया है वो 9 का विभाज्य है, 9 का विभाजक है ना, 9 से कट जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। अब पांचवा सवाल देख ले हम, पांचवे सवाल में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है, तो 10 से जो विभाज्य का नियम है वो ये है, यदि संख्या के अंत में 0 आएगा, केवल 0 आना चाहिए और कुछ नहीं, यदि 0 आता है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा यदि 0 के अलावा और कोई भी अंक आएगा, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आएगा तो वो 10 से विभाज्य नहीं होगी, संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, केवल 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पांचवें सवाल का पहला सवाल दिया हुआ संख्या दी हुई है 250607, इसके अंत में क्या दिया हुआ है 7, तो ये 10 से विभाज्य नहीं है, हमने क्या कहा है अंत में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वो 10 से विभाज्य होगा, है ना। अगला सवाल इसका 23450, आपने देखा होगा इस संख्या के अंत में क्या है 0 है, तो ये 10 से विभाज्य है। ठीक है, आपको इसी तरह से जांच करके जो है बताना है कौन संख्या है जो है विभाज्यता का नियम अपना करके बताना है इसमें कि कौन संख्या इनसे विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज आपको आराम से समझ में आ गई होगी, छोटी एक्सरसाइज थी और सवाल भी बहुत आसान थे, तो इस सारे सवाल आप करिएगा, और यदि किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको तो ज़रूर पूछिएगा।